नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। यूपी सरकार में नाबालिग किशोरियों के साथ हो रहे अपराधों में एक और अपराध का इजाफा हुआ है, जहां कानपुर देहात कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसकी रिश्ते में लगने वाली बुआ निशा उसे शौच के बहाने गांव से बाहर ले गई और वहां पहले से ही मौजूद कार सवार आरोपियों के पास गई। यूपी सरकार में नाबालिग किशोरियों के साथ हो रहे अपराधों में एक और अपराध का इजाफा हुआ है, जहां कानपुर देहात कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के एक गाँव की एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसकी रिश्ते में लगने वाली बुआ निशा उसे शौच के बहाने गाँव से बाहर ले गई और वहां पहले से ही मौजूद कार सवार आरोपियों के पास गई और जब मुझे आशंका हुई तो मैं अपने बचाव के लिए चिल्लाई। इसी बीच बुआ निशा ने आरोपियों के साथ मिलकर मेरा मुंह दबाकर कार में डाल दिया और मुझे कदौरा हमीरपुर ले गए, जहां बुआ निशा और दो आरोपी कार से उतर गए। पहले से कार में मौजूद जाहिद नाम का युवक, उसका एक दोस्त मुझे पहाड़ी क्षेत्र के एक वीरान जगह ले गए, जहां पीड़ित किशोरी ने बताया कि मुझे 13 दिनों तक एक वीरान जगह पर रखा गया। मेरे साथ जाहिद ने कई बार रेप किया। पीड़ित किशोरी ने बताया कि मेरे विरोध करने पर आरोपी युवक जाहिद ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार कर यहीं फेंक देंगे। एक और यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का पालन करवाने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ, जहां कहते हैं कि किसी भी अपराधी ने किसी भी महिला के सम्मान के खिलाफ कोई अपराध किया तो अगले चौराहे पर पुलिस उसका इंतजार कर रही है। इतना सख्त कानून और सख्त चेतावनी देने के बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की लचर कानून व्यवस्था, जहां पीड़ित मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे मुझे इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। आरोपी अभी भी खुले में सांस लेने में लगे हैं। पुलिस कब इन लोगों को गिरफ्तार करेगी? ये मामला यूपी सरकार के नाबालिग बालिकाओं के साथ अपराध के खिलाफ सख्त कानून के दावों की पोल खोलता है। पुलिस और प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए। नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों के साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही लापरवाही की खास एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज पर। क्या घटना हुई थी आपकी बेटी साथ? हमारी बेटी के साथ अपहरण किया गया है। किसके सहयोग से किया गया था? निशा के साथ में। हमारे निशा कौन है? हमारे टोला पड़ोस की नंद लगती है हमारी। अच्छा। तो कब ये हुआ था, कांड हुआ था? यही 3 तारीख के लमसम 3 बजे के टाइम पे। बेटी कैसे मिली आपको? बेटी हमें मिली है जब ने FIR किया है थाने भोगनीपुर थाने में, और हमने पुलिस को सूचना की तो उनके माँ बाप जो टोला पड़ोस के लोग थे उनको जानकारी हो गई थी किसने FIR कर दिया है, तो उसको खबर हुई कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ मिला है साबूत, तो उसने FIR कर दी। तो उसी के जरिए से उसको खबर हुई तो बोले कि हम तुम्हारी लड़की ला के देंगे। वो निशा बोली, मुबारक सज्जन, ये तीनों लोग बोले कि हम तुम्हारी लड़की ला देंगे यहाँ। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा समझौता कर ले, हम तुम्हारी लड़की ला देंगे। लेकिन लड़की तो मेरी ला दिए हैं सर, लेकिन लड़की नाबालिग है। लड़की मेरी 14-15 साल की है। 14-15 साल की। हाँ। कितने दिन पहले लड़की आई थी आपके पास? 18 तारीख को आ गई थी। छोड़ गए थे? हाँ, यही भोगनीपुर में छोड़ गए थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है? कोई भी कर नहीं, आरोपी भी नहीं गिरफ्तार हुए। किस थाने की रहने वाली हैं? भोगनीपुर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपकी माता जी ने, मम्मी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, कौन तुम्हें बैला फुसला कर भगा ले गया था? निशा। निशा? हाँ। ये निशा कौन है? निशा हमारी बुआ है, गाँव की रहने वाली। आपके गाँव की रहने वाली? हाँ। किसके साथ आप गए थे? आप निशा, अदरीस, मुबारक, सज्जन, जाहिद, ये सब लोग थे। उनको भगा ले गए थे? हाँ। अच्छा, कैसे आप बुलवा ले गए थे? हमें लेटरिंग के बहाना लिवा गए थे, हम अपने दूसरे वाले घर में लेटे थे, वो कही चलो लेटरिंग 3 बजे करीब, तो बोले हाँ निशा आई थी। फिर हमें कहा कि चलो लेटरिंग, हम गए उनके संग, हमने कहा गाड़ी क्यों खड़ी है, कोई गाड़ी से क्या है। फिर वो गाड़ी के पास जब जाने लगी तो हमने कहा, फिर हमने हमने कहा हम आवाज मारे जो हमारा मुंह दाब लिया, और गाड़ी मुबारक ने धक्का मार के बैठा दिया था। अच्छा, फिर आपको कहाँ ले गए? फिर कदौरा। कदौरा में? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? जाहिद, मुबारक, सज्जन, इदरीस, निशा। अच्छा, आपके साथ किसने गलत किया था? जाहिद ने। जाहिद? हाँ। और किसी अन्य लोगों ने गलत काम किए थे? नहीं। कहाँ रखा था? हमें पहाड़ी इलाकों में रखा है। किसने रखा था? अरे जाहिद ने। जाहिद ने? हाँ। कितने दिन हुआ उसने आपके साथ रहा? वो हमारे संग रहा 13 दिन, मगर 6 दिन हमारे संग गलत काम मतलब हुआ है, 6 दिन बस। तो आपने विरोध नहीं किया था? किया था तो धमकी दे रहे थे।
क्या धमकी दे रहा था? कि मारेंगे, मार के यहीं फेंक देंगे, जानवर खा जाएंगे।